हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज़ यूजीसी नेट JRF बाय रिचा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ 2020 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो आज से हम ये एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सिर्फ रिसर्च एप्टीट्यूड के ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ये हमारा पहला सेशन है। सो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन यूजिंग द हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च पैराडाइम विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज कंसीडर एप्रोप्रिएट। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव का क्या मतलब है। सो दो वर्ड सामने आते हैं, एक होता है डिडक्टिव, एक होता है इंडक्टिव। इंडक्टिव मतलब बॉटम अप अप्रोच, मतलब नीचे से चीज़ों को, प्रॉब्लम आई फिर उस पर हमें उसकी कोई थ्योरी कुछ भी नहीं पता है, बस उसको एक्सप्लोर करते जा रहे हैं नॉलेज को, तो वो गया इंडक्टिव। डिडक्टिव जहाँ पर हमें नॉलेज है, हमें फॉर्मूला पता है, अब उसको वहाँ पर अप्लाई करके चेक करके आगे बढ़ना है। सो जो बॉटम अप अप्रोच होती है उसको बोलते हैं इंडक्टिव, और जो जहाँ पर हमें चीज़ें पता होती हैं, फॉर्मूला पता होता है, अप्लाई करते हैं, तो वो हमारी डिडक्टिव रिसर्च होती है। इसको अगर मोटे तौर पे डिवाइड करें तो ये आपकी हो जाती है क्वालिटेटिव रिसर्च और ये आपकी हो जाती है क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सीक्वेंस की बात कर रहा है, तो सीक्वेंस बेसिक जो आपका रिसर्च प्रोसेस का जो सीक्वेंस होता है, अगर अभी आप JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जब आप PhD करने जाएंगे तो भी आपको इन्हीं प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि पहले एक टॉपिक डिसाइड करना होगा, ठीक है, फिर उस टॉपिक में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा, फिर रिसर्च का ऑब्जेक्टिव उसको और स्पेसिफिक बनाएंगे, नैरो डाउन करेंगे, फिर लिटरेचर रिव्यू लिखना होगा कि जहाँ जहाँ से आपने अपना टॉपिक जो है डिसाइड किया है वो क्या क्या आपने स्टडी की, उसका जो लिटरेचर है वो बताना होगा, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर आपका आएगा रिसर्च डिज़ाइन कि आगे आप क्या प्रोसेस करने वाले हैं, एंड देन आता है सैम्पल, फिर डेटा कलेक्शन, एनालिसिस ऑफ डेटा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जर्नलाइजेशन, एंड लास्ट में रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका मतलब मेन है, और इसको मैंने डिटेल में एक एक चीज को एक एक सेपरेट स्लाइड के थ्रू समझाया हुआ है। रिसर्च एप्टीट्यूड की जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या है कि हमें सीक्वेंस बताना है। तो सीक्वेंस में सबसे पहले क्या आएगा कि आपको टॉपिक डिसाइड करना होगा, टॉपिक डिसाइड करने के बाद आप हाइपोथेसिस बनाएंगे और इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, पहले दिया हुआ है हाइपोथेसिस मेकिंग, फिर है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फिर अराइविंग द जर्नलाइजेशन एंड कंक्लूजन। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, रिसर्च का टॉपिक डिसाइड करना है ना। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इस्टेब्लिशिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, फिर अराइव ऑन द जर्नलाइजेशन एंड देन कंक्लूजन। ओके, ठीक है, ये सीक्वेंस तो सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हाइपोथेसिस मेकिंग, इस्टेब्लिशिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, पहले रिसर्च प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फिर मेकिंग, ये तो गलत है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि सबसे पहले आपके पास एक आइडिया हो, ठीक है, एक प्रॉब्लम हो जिस फिर उस पर आप हाइपोथेसिस बनाएं, फिर उसकी टेस्टिंग करें, फिर उसका जर्नलाइजेशन, अराइविंग एट द जर्नलाइजेशन, एंड देन आएगा कि कंक्लूजन आप बना सकते हैं। सो आंसर आपका बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च प्रोसीजर विल फिगर अंडर द पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। तो देखिए दो बातें होती हैं, एक आपका होता है पॉजिटिविज्म, एक होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म, ठीक है। तो अगर मोटे तौर पे दोनों को समझें तो पॉजिटिविज्म ये कहता है कि एक्चुअली ये होता क्वांटिटेटिव है और यहाँ पर ये क्वालिटेटिव पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो पॉजिटिविज्म ये कहता है कि वो सारी चीज़ें जहाँ पर अभी तक क्वालिटेटिव फॉर्म में रिसर्च होती थी, ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, वो ऐसी रिसर्च क्वालिटेटिव क्या होगा, जहाँ पे रिसर्चर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन्वॉल्व हो, जहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक एकदम स्ट्रिंजेंट चीज़ें ना हो, वो आपका क्वालिटेटिव हो जाता है। तो पॉजिटिविज्म कहता कि जो क्वालिटेटिव चीज़ है उसको भी क्वांटिटेटिव तरीके से अगर पढ़ा जाए तो हम ज़्यादा अप्रोप्रिएट जगह पहुँच पाएंगे, ऐसा पॉजिटिविज्म कहता है।
और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करता है। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा है कि इनमें से हमें वो रिसर्च पिक करनी है जो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच को फॉलो करती है। पोस्ट पॉजिटिविस्टिक मतलब क्वालिटेटिव। अब यहाँ पे कह रहा है नॉर्मेटिव सर्वे है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, एथनोग्राफिक है और एक्सपोज फैक्टो है। तो नॉर्मेटिव सर्वे, सर्वे का मतलब क्या होता है कि जैसे सर्वे करना ये एक क्वांटिटेटिव चीज हो गई। सर्वे कैसे करते हैं आप भी देखते होंगे, कई बार यूट्यूब पे भी अगर आप देखो तो वहाँ पे भी सर्वे आते हैं, वहाँ पे डेटा आप कैसा कलेक्ट हो रहा है वो एक क्वांटिटेटिव तरीका हुआ। क्वालिटेटिव तरीका वो होगा जहाँ पे ऑब्जर्वेशन की बात होगी, जहाँ पे जो रिसर्चर है वो जा करके देखता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, फिर वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू में लिख सकता हो चीज़ों को, वो है क्वालिटेटिव। यानी जहाँ पर सब्जेक्टिविटी है वो आपका क्वालिटेटिव है, और जहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी है जैसा था एज इट इज लिख दिया गया वो आपका क्वांटिटेटिव है। अब आते हैं नॉर्मेटिव सर्वे, तो ये आपका क्या हुआ, ये तो क्वांटिटेटिव हो गया एज इट इज लिख दिया गया। एक्सपेरिमेंटल, ये भी आपका क्वांटिटेटिव होता है ना, जैसे लैब में अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करो या कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट अगर आप कर रहे हो तो जो रिजल्ट आएगा आप वही तो बताओगे, उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं इन्वॉल्व करेंगे ना कि मुझे ऐसा लगता है, वो चीज़ें नहीं होंगी, सो वो एक्सपेरिमेंटल भी नहीं होगा। एथनोग्राफिक रिसर्च जो आपकी होती है ये आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। ठीक है, सो इसका आंसर यहाँ पर एथनोग्राफिक रिसर्च हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, अ कॉलेज टीचर प्लान अ रिसर्च प्रोग्राम इन विच ही शी इंटेंड्स टू प्रोवाइड सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ हिज हर क्लासरूम क्लाइमेट ड्यूरिंग टीचिंग। तो एक कॉलेज का टीचर है, ठीक है, वो प्लान करता है, एक रिसर्च करता है, एक रिसर्च प्रोग्राम को जहाँ पर वो इंटेंस इम्प्रूव करना चाहता है सोशल इमोशनल एस्पेक्ट्स को, जो भी उसकी क्लास है। तो क्लास में बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, बट बच्चे का उनका जो सोशल इमोशंस हैं उनको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं ड्यूरिंग दी क्लास, कि क्लास में वो बच्चे किसी को अप डाउन ऐसा फील ना हो। ठीक है, तो उसके लिए वो कौन सी रिसर्च करे, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल और एक्शन। तो देखिए देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक जो आपकी एक्शन रिसर्च होती है उसका मतलब अगर देखा जाए तो ये एक सुधारात्मक अप्रोच होती है। ठीक है, यहाँ पर ये इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करता है एक्शन रिसर्च। मोस्टली ये एजुकेशन कॉलेजेस वगैरह में एक्शन रिसर्च का यूज़ होता है। ठीक है, इसको ये भी कह सकते हैं, अगर हिंदी में आप नोट डाउन करना चाहें तो यहाँ पे तत्काल रूप से प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है ये, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, फिर है सम टाइम्स द प्रॉब्लम सॉल्वर नॉट एक्सपर्टीज इन द सेम एरिया, जरूरी नहीं है कि एक्सपर्टीज हो, देर इज अ पर्टिकुलर प्रोसेस होता है एक्शन रिसर्च का। जैसे देखिए पहले क्या होता है, प्लान करेंगे, फिर एक्ट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, फिर रिफ्लेक्ट करेंगे, ये जो सिक्वेंस है ये कई बार एग्जाम में पहले बहुत बार पूछ चुका है, तो आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो है स्कूल कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और तुरंत प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि हमें कौन सा यूज़ करना है, भाई क्लासरूम में बात हो रही है और प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच की बात हो रही है, तो हिस्टोरिकल क्या बात होगी, क्या ये तो पास्ट की बात करता है तो हिस्टोरिकल होगा नहीं। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव में जो चीज़ें हमने देखी उस चीज़ को बस डिस्क्राइब कर देना होता है। ठीक है, जैसे कहीं पे कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, कोई भी चीज़, उसको बस डिस्क्राइब कर देना। ठीक है, जैसे कि आप लोग भी देखते होंगे कई बार YouTube वगैरह पे वीडियो छोटे छोटे ऐसे पड़े होते हैं कि कोई कहीं जा रहा होता है तो लोग अपने बाइक पे ज़्यादातर हेलमेट में एक कैमरा छोटा सा लगा लेते हैं और छोटी सी उसकी क्लिप, अगर कोई इंसिडेंट हुआ तो उसको डाल देते हैं। वो क्या हुआ, एक तरीके का डिस्क्रिप्टिव स्टडी हुई, जो था जैसे था बिल्कुल एज इट इज वैसा बता दिया गया, तो वो हो गया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव भी नहीं है भाई, कोई इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं रहा है, एक्सपेरिमेंटल है नहीं ये, क्योंकि हम बच्चों को उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट अप्रोच नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपका एक्शन रिसर्च होगा, तत्काल रूप से प्रॉब्लम सॉल्विंग, सुधारात्मक अप्रोच। ठीक है, नाउ
नेक्स्ट है जो कि फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन द रिसर्च आर लीस्ट वल्नरेबल इन रिसर्च एथिक्स. कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा लीस्ट वल्नरेबल है, मतलब कम, जहाँ पर कमियाँ सबसे ज़्यादा हो सकती है और कहाँ पर कमियाँ सबसे, मतलब सबसे कमज़ोर कड़ी एक होता है कि जैसे रिसर्च अगर आप कर रहे हो तो कुछ उसकी कमज़ोर कड़ियाँ होती हैं जहाँ पर ऑथेंटिसिटी कम हो सकती है. देखिए रिसर्च के दौरान दो बातें होती हैं, ठीक है. एक तो होता है जहाँ पर वल्नरेबल हो, मतलब बहुत कमज़ोर हो सकती है, और दूसरी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर स्ट्रांग हो, ठीक है. दो बातें होती, तो स्ट्रांग का मतलब वो चीज़ें हुई जहाँ पर रिसर्च कमज़ोर नहीं पड़ेगा, मतलब बिल्कुल एज इट इज़ फिक्स टाइप की चीज़ होगी, तो उसको लीस्ट वल्नरेबल बोलेंगे. और वल्नरेबल मतलब कि जहाँ पर बहुत वीक हो सकता है, जो रिसर्च की बहुत ही कमज़ोर कड़ी हो सकती है. दो चीज़ें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछी जाती हैं बार बार. तो कमज़ोर कड़ी वो होगी जहाँ पर कोई स्पेसिफिक, जैसे क्या हो सकता है कि हम सैम्पलिंग का जो मेथड है वो हमने जो भी चूज़ किया, हमने कुछ ऐसा चूज़ कर लिया जहाँ पर हमने सोचा कि जो मेरे लिए कन्वीनियंट होगा, तो वो वल्नरेबल हो गया ना वहाँ पे रिसर्च. मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सैम्पलिंग कर ली, ठीक. मैं रिसर्च का रिज़ल्ट आइडेंटिफाई कर रही थी, उसको डिस्क्राइब कर रही थी, रिज़ल्ट को या कंक्लूजन को, तो मैंने उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल दिया, तो वो क्या हो गया, वो वीक हो गया, ठीक है. यानी कि वहाँ पे उसकी जो रिलायबिलिटी है, जो डेटा कलेक्शन था, जो रिलायबिलिटी थी, उन सब में मैंने अपना तरीके से चीज़ें इन्वॉल्व कर दी, तो वो वीक हो गई रिसर्च, ठीक है. अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऐसा हो जो लीस्ट वल्नरेबल हो, मतलब कि कौन सा ऐसा है जो कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट को यहाँ पे बताना है. तो आइडेंटिफाई द रिसर्च वेरिएबल, डिफाइन द रिसर्च वेरिएबल, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस और रिपोर्ट राइटिंग. तो देखिए डेटा कलेक्शन का मेथड वीक वाला पॉइंट होता है, ठीक है. डेटा एनालिसिस, एनालिसिस कौन कर रहा है भाई, रिसर्चर खुद से ही तो कर रहा है, तो वहाँ पे भी जो है ये भी वीक पॉइंट होता है. और रिपोर्ट राइटिंग के समय में भी मैं अगर अपना, अपनी ऑब्जर्वेशन, अपना मतलब जो मुझे लगा, लगता है उस हिसाब से मैंने लिख दिया, तो ये सारे होते हैं वीक पॉइंट्स. सो आइडेंटिफाई द रिसर्च वेरिएबल, वेरिएबल फाइंड आउट करने में मैं कोई मिस्टेक नहीं कर सकती, ठीक है. डिफाइन द वेरिएबल, उन वेरिएबल को डिफाइन मैं गलत तरीके से नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि भाई किसी को मैं डिफाइन कर रही हूँ तो वो डेटा जो है इंटरनेट पे मिल जाएगा, चीज़ें मिल जाएंगी कि भाई ये चीज़ ये नहीं है, ये कुछ और ही बता रहा है. सो ए और बी ये क्या है, ये लीस्ट वल्नरेबल है, या ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रांग पॉइंट होते हैं रिसर्च के. सो आंसर आपका ए या बी हो जाएगा, ए एंड बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, द पर्सनलिस्टिक स्टाइल ऑफ रिसर्च राइटिंग रिपोर्ट इज परमिसेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च. किसमें जो है रिसर्च अपनी पर्सनलिस्टिक स्टाइल को यूज कर सकता है. पर्सनलिस्टिक स्टाइल मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू, कह सकते हैं ओन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. खुद का पॉइंट ऑफ व्यू मैं कहाँ पर इन्वॉल्व कर सकती हूँ. अब यहाँ पर ऑप्शन है ग्राउंडेड थ्योरी, एक्सपेरिमेंटल, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, हिस्टोरिकल और केस स्टडी. इन सबको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं. देखिए ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है, द रिसर्च मैथड कंसर्न विद जनरेशन ऑफ थ्योरी. यहाँ पर नई थ्योरी को जनरेट किया जाता है. जैसे मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आई तो अब मैंने उसको कोई एक नई प्रॉब्लम जो पहले से ही उसका कोई फिक्स मेथड नहीं था, मैंने उस प्रॉब्लम को समझा, ठीक है, और अब उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लोर किया और बाद में उसके ऊपर एक थ्योरी बना दी, ठीक है. तो ये आपकी थ्योरी जो होती है वो ग्राउंडेड थ्योरी होती है, जो पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हो सकती है. इन विच द ग्राउंडेड द डेटा हैज़ बीन सिस्टमेटिकली कलेक्ट एंड एनालाइज, इट इज़ यूज टू अनकवर द थिंग्स इन द सोशल रिलेशनशिप एंड बिहेवियर ग्रुप नोन एज सोशल प्रोसेस. ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सोशल प्रोसेस की बात होती है. ग्राउंडेड थ्योरी इज ऑफन यूज इन HR डिपार्टमेंट, ठीक है. इंटेंस दे माइट स्टडी द एम्प्लॉय का जो है, जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है, जो वर्क के साथ फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा है, उसको स्टडी करना, तो ये ग्राउंडेड थ्योरी हो गई. तो एक तरीके से यहाँ पर कैसा टॉपिक होगा कि जो रिसर्चर है वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को लिख सकता है, ठीक है. अब कौन सा आता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च.
तो एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, दो वेरिएबल के बीच में मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उसे जो कंक्लूजन निकला मैंने वही लिख दिया। बट यहाँ एक्सपेरिमेंटल में मुझे चीज़ें करके बतानी होगी ना, जैसे कि x प्लस फाइव इज इक्वल टू अगर z होता है, ये तो इस जो मैंने फॉर्मूला बनाया, अब यही एक्सपेरिमेंट ये अप्लाई होना चाहिए, तो इसमें मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं डाल सकती, ये जो आया है एज इट इज ही रहेगा। सो ग्राउंडेड थ्योरी तो कैसा हो गया, यहाँ पे पर्सनलिस्टिक हो जाएगा, ये पर्सनलिस्टिक है बट ये नहीं होता, ठीक है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रिसर्च, ये क्या बात बता रहा है कि जैसे कि अगर मैं जा कर के देख रही हूँ कि मुझे पता चला कि किसी गांव में जो है बहुत सूखा पड़ा हुआ है, तो अब उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या हो रहा है, तो मैं जा कर के वहाँ पर ऑब्जर्व कर रही हूँ, चीज़ों को देख रही हूँ, समझ रही हूँ कि चीज़ें क्या हैं, या कोई गवर्नमेंट की कुछ भी पॉलिसी है उसको किस स्तर पर चीज़ें हो रही हैं, अगर जा के वहाँ पर ऑब्जर्व किया जाए, पता लगाया जाए, कोई भी चीज़ जहाँ पर रिसर्चर जाके ऑब्जर्व करता है तो वो होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब मैं जब ऑब्जर्व करूँगी तो हर चीज़ को लेकर के मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर लिखूँगी, ओन पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये भी क्या हो गया, पर्सनलिस्टिक हो गया, ठीक है। तो ए एंड सी होना चाहिए बट बी ना हो, तो बी ना हो ए एंड सी हो, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च, यहाँ भी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकती, जो भी मुझे बुक्स में, कॉपी में, न्यूज़पेपर में या जो भी कोई वेबसाइट पर कोई डेटा मुझे मिलता है तो मैं वही बता सकती हूँ कि या मैंने कोई मॉन्यूमेंट सर्च किया, वहाँ पर पता किया ये चीज़ें हैं, तो जो पहले से अवेलेबल चीज़ें मैं उनमें कुछ हेर फेर नहीं कर सकती या अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं डाल सकती, तो हिस्टोरिकल भी नहीं होगी। और केस स्टडी, हाँ ये हो सकता है, सो आंसर आपका ए सी एंड ई हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, आइडेंटिफाई द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए, जो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दो तरीके के सैम्पलिंग के प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। ये लिस्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के और ये लिस्ट है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। इनको डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आपको मेरी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, ये पूरा डिटेल में पूरा समझाया हुआ है, एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि प्रोबेबल है, जहाँ पे हर एक इंसान को या जो भी चीज़, जिस भी चीज़ में मैं सैम्पलिंग लगा रही हूँ उसमें हर एक को पिक होने की, यानी कि मेरे सैम्पल में आने की इक्वल चांस है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। अगर ए आ सकता है तो बी भी आ सकता है, वो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इसमें है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और बाकी आपकी जैसे डायमेंशनल हो गई, स्नोबॉल हो गई, और अगर मेरा जजमेंटल सैम्पलिंग है, मैं अपने हिसाब से चीज़ों को पिक करती हूँ, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी हो गई। कन्वीनियंट सैम्पलिंग, कन्वीनियंट का मतलब क्या हुआ, मुझे जो लगा कि ये मेरे आसपास के लोग हैं, मैं इन्हीं से ही सैम्पल कलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। और ये हो गया कोटा सैम्पलिंग, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तो ये कौन सा है, प्रोबेबल है। कोटा सैम्पलिंग ये भी, ये आपकी नॉन प्रोबेबल है। क्लस्टर ये प्रोबेबल है, स्नोबॉल नॉन प्रोबेबल है, डायमेंशनल सैम्पलिंग ये आपकी नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग है, ठीक है। सो हमें कौन सा लेना है, नॉन प्रोबेबल वाले, सो बी और डी और ई हो जाएगा, बी डी ई ऑप्शन सी में है, सो ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता, अ कॉलेज प्रिंसिपल कंडक्ट एन एथनोग्राफिक प्रॉब इनटू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय ट्राइबल स्टूडेंट, विच मेथड ऑफ सैम्पलिंग विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट। अब एक कॉलेज का प्रिंसिपल है, ठीक है, वो क्या करता है, एक एथनोग्राफिक कोई प्रॉब्लम है जिसमें वो बच्चों के साथ जो भी प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम फेस बाय ट्राइबल स्टूडेंट, उनके साथ जो प्रॉब्लम आ रही है उस पर वो रिसर्च कर रहा है, तो उसमें से वो कौन सी जो है सैम्पलिंग का मैथड यूज़ करे। यहाँ पर जो बात कर रहा है वो कॉलेज के सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो क्या है, प्रॉब्लम फेस बाय ट्राइबल स्टूडेंट, जो ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं
उन स्टूडेंट की बात कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर जगह से जो लोग बिलोंग करते हैं उन सभी को स्टडी करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो रैंडम, स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर और सिस्टमैटिक है। तो देखिए, रैंडम सैम्पलिंग का तो यहाँ पर यूज़ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि रैंडम हमने पिक किया तो वहाँ पे जो नॉन ट्रैवल वाले हैं वो भी आ रहे हैं और जो ट्रैवल वाले हैं वो भी आ रहे हैं, तो मे बी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो सही नहीं आएगा। रैंडम तो नहीं होगा, ठीक है। सिस्टमैटिक भी रैंडम का ही एक तरीका है, बस यहाँ पे जो सैम्पलिंग पिक की जाती है वो पर्टिकुलर सिस्टम में की जाती है, ठीक है, सीक्वेंस में होता है। तो अब यहाँ पर बात आती है, आपको कंफ्यूजन कहाँ पे आ रही है, क्लस्टर और स्ट्राटाफाइड, इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो स्ट्राटाफाइड सैम्पलिंग होती है इसमें क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज अ मैथड ऑफ सैम्पलिंग दैट इन्वॉल्व डिवाइडिंग द पॉपुलेशन टू द स्मॉल ग्रुप कॉल्ड स्ट्रेटा। ठीक है, स्ट्रेटा बना लेते हैं, जैसे इस तरह से अगर पॉपुलेशन है तो हमने स्ट्रेटा बना लिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब जैसे चार मैंने इसमें से पिक कर लिए और चार मैंने इसमें से पिक कर लिए, इस तरीके से मेरी सैम्पलिंग हो गई, ये तो पूरा जो है पॉपुलेशन हो गया और ये हो गए सैम्पल। तो स्ट्राटाफाइड में इस तरीके से सैम्पलिंग की जाती है। बट क्लस्टर में क्या होता है, क्लस्टर का मतलब ऐसे ऐसे एक सर्कल मतलब बना होना, ऐसे ये क्लस्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में रिसर्च डिवाइड द पॉपुलेशन इंटू द स्मॉल ग्रुप नोन एज क्लस्टर, और उसमें से जैसे मैंने थोड़े थोड़े ग्रुप डिवाइड कर दिए, अब मैं मुझे स्टडी करना था तो मैंने किसी दो ग्रुप को उठा के, पूरे दो ग्रुप में जितने भी लोग थे सबको उठा करके स्टडी कर लिया। जैसे समझिए यहाँ पर कि पूरा जो पॉपुलेशन था तो उनके कुछ क्राइटेरिया में कुछ डिफरेंसेस होगा, लेट सपोज कि कुछ भी डिफरेंसेस हो सकता है। मैं अगर स्टेट वाइज कर रही हूँ तो मैंने जो पूरा जो कंट्री है मतलब जो इंडिया है उसको मैंने क्या किया कि कुछ कुछ बेसिस पे डिवाइड कर दिया, लेट सपोजेस कि मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चार तरीके से डिवाइड कर दिया। अब मुझे जब स्टडी करना हुआ तो किसी एक एक जोन को उठा के स्टडी कर लिया, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लस्टर स्टडी। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई भी एक जोन को उठा के स्टडी कर लिया। तो क्लस्टर में यही होता है कि हमने जो है किसी बेसिस पे जो है पॉपुलेशन को पहले डिवाइड कर दिया और किसी भी एक या दो जो है सैंपल को उठा के, पूरी पूरे सैंपल को उठा के स्टडी कर लेना, वो क्लस्टर कहलाता है। तो अब यहाँ पर हमें पिक करना है कि एथनोग्राफिक जो बच्चे मतलब एथनोग्राफिक प्रॉब्लम है और यहाँ पे जो हमें ट्राइबल स्टूडेंट है उनको स्टडी करना है, तो केवल ट्राइबल वाले सारे आ जाएं, ऐसी कौन सी सैम्पलिंग होगी हमारी, ऐसी कौन सी सैम्पलिंग होगी हमारी, क्लस्टर सैम्पलिंग होगी, जहाँ पे हम पूरी पॉपुलेशन को, एक तरह की पूरी पॉपुलेशन को पढ़ पाएं, वो है क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, सो हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, फंडामेंटल रिसर्च इज डायरेक्टेड एट एक्सप्लोरिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रुथ एंड प्रिंसिपल ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड। कह रहा है कि जो फंडामेंटल रिसर्च होती है वो बस उसी को एक्सप्लोर करता है, उसकी एप्लीकेबिलिटी को कि कहाँ पर और अप्लाई किया जाता है, जब इसी को एक्सप्लोर कर पाता है जो कि पहले से थ्योरी अवेलेबल हो। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि देखिए फंडामेंटल रिसर्च वो रिसर्च होती है जहाँ पर हम नई थ्योरी को जनरेट करते हैं, थ्योरी के नए एप्लीकेशंस को हम अप्लाइड रिसर्च में पता करते हैं, ना कि फंडामेंटल रिसर्च में। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नाउ नेक्स्ट है, इसमें क्या कहता है, एक्शन रिसर्च एम एट एमिलियोरेटिंग दी ऑन गोइंग कंडीशन एंड प्रैक्टिसेस। हाँ, तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। अभी हमने एक्शन रिसर्च में पढ़ा कि ये क्या है, एक सुधारात्मक अप्रोच है, इमिडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग है। यहाँ पे आप एमिलियोरेट का मतलब समझ रहे हैं, किसी चीज़ को सुधारना, ठीक है, तो बस इसका तो नाम ही है इमिडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है एंड सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट। तो फर्स्ट इज रॉन्ग मतलब इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट, या ऑप्शन आपका डी में है, सो आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में क्या कहता है, रिसर्च एथिक्स एंड इट्स ऑब्जर्वेशन इन नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च। रिसर्च की एथिक्स की बात कर रहा है, रिसर्च का एथिक्स करें या बिजनेस के एथिक्स को समझें, तो एथिक्स का मतलब क्या हुआ कि जितने भी लॉज हैं उन सभी लॉज को अच्छे से फॉलो करना और मतलब कोई भी इनअप्रोप्रिएट हरकत ना करना, उसे एथिक्स कहते हैं।
तो यानी कि रिसर्च का एथिक्स का मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर? रिसर्च का एथिक्स और ऑब्जर्वेशन इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च। रिसर्च कितना अच्छा है उसकी क्वालिटी डिपेंड किस चीज पर करेगी? कि आप कितना एथिकल हैं, ठीक है? सो असर्शन जो है एकदम ठीक बात कह रहा है। रीजन क्या देता है इसका? द पॉलिसी मेकिंग बॉडी हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर परसुइंग द रिसर्च विद एन आई ऑफ प्रमोटिंग एक्सेलेंस। अब जो यहाँ पे कह रहा है कि जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है वो कह रहे हैं कि वो कितना जो है इस चीज को प्रमोट करते हैं, यानी कि वो कितना ज्यादा एथिक्स को प्रमोट करते हैं, ये जो है एक रीजन हो सकता है। तो ये बात ठीक है कि मतलब चीज जो भी है, जो हम अगर जैसे कि एथिक्स हुई कि नहीं हुई, मतलब रिसर्च कितना एथिकल है या नहीं है, अब उसको आगे जो भी कोई यूज कर रहा है वो एथिक्स वाली जो जो प्रॉपर था भी लॉ को फॉलो करके जो रिसर्च बनाई गई है उसको फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं, जो कम है मतलब जिनमें एथिक्स कम है उनको वो फॉलो कर रहे हैं, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आगे हमारी क्या चीज़ यूज़ में आ रहा है। होता क्या है कि जो चीज़ें हैं मतलब जो सही है, अगर हम उसका यूज़ ज़्यादा करेंगे या उसका फर्दर यूज़ होगा तो रिसर्च भी है जिस बेसिस पे वो काम हुआ है उसको और अच्छा, उसको और सुदृढ़ और मतलब एथिकल बनाया जा सकता है, ताकि लोगों को भी ये लगे कि हाँ भाई ठीक है, ये सही रिसर्च हुई थी तो उसको आगे यूज़ किया गया। सो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। सो आंसर ए यहाँ पर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता? अ रिसर्चर इंटेंड्स टू फाइंड आउट डिफरेंसेस इन मोटिवेशनल आउटलुक ऑफ फर्स्ट डिग्री लेवल स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ देयर बिलोंगिंगनेस इन रूरल अर्बन एरिया एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ पेरेंट। यहाँ पर ये जानना चाहता है कि कौन सा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इस बात को स्टडी करना चाहता है। एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि आप इस इमेज से समझिए, यहाँ पर ये प्लांट है, ठीक है? अब ये प्लांट की ग्रोथ, अगर यहाँ पर देखिए ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रही है, क्यों भाई? इस प्लांट के ग्रोथ होने के लिए सनलाइट भी देना होगा और वाटर भी देना होगा। ये हो गए इसके दो डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये प्लांट है, ये प्लांट क्या है? ये प्लांट तो डिपेंड करता है किस चीज पे? वाटर पे और सनलाइट पे, ठीक है? वाटर और ये जो सनलाइट है इन दोनों पे डिपेंड करता है। बट ये दोनों ऐसे क्या है? ये इंडिपेंडेंट है ना। पानी का प्लांट पे अगर देखा जाए तो पानी तो अपनी जगह है, वो प्लांट से नहीं डिपेंड करता, लेकिन प्लांट डिपेंड करता है किस पे? वाटर एंड सनलाइट पे। तो दो तरीके के हो गए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर स्टडी करने में ये जानना चाहता है कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर देखिए, जो रिसर्चर है इंटेंस टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस इन मोटिवेशनल आउटलुक ऑफ फर्स्ट डिग्री लेवल ऑफ स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ देयर बिलोंगिंगनेस ऑफ रूरल एरिया एंड देयर एजुकेशनल स्टेटस ऑफ देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पर जो स्टडी हम क्या करना चाहते हैं कि कौन सा बच्चा जो है मोटिवेटेड है और कौन सा डीमोटिवेटेड है, हम ये स्टडी करना चाहते हैं। हम क्या स्टडी करना चाहते हैं कि बच्चा कौन सा मोटिवेटेड है, कौन सा डीमोटिवेटेड है, ये स्टडी करना चाहते हैं। तो जो चीज़ हम स्टडी करना चाहते हैं वो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे पौधे में पत्ती आ रही है कि नहीं आ रही है, फूल खिल रहा है कि नहीं खिल रहा है, ये हमको कैसे पता लगा कि किन चीज़ों पर पौधा डिपेंड कर रहा है? जब हमने स्टडी की तो पौधा डिपेंड कर रहा है, मैंने ये बात कही ना, वो क्या पता करना चाहता है कि कौन सा बच्चा, लेट्स सपोज इज कुछ रूरल बैकग्राउंड से आए हैं, कुछ अर्बन बैकग्राउंड से आए हैं, ठीक है? अब इनमें से कुछ बच्चों का जो है, हो सकता हो यहाँ भी मोटिवेटेड हो, यहाँ पे भी डीमोटिवेटेड हो, और यहाँ पे मोटिवेटेड हो और यहाँ पे भी डीमोटिवेटेड हो। तो वो बच्चे कहीं से भी आए हो, ये सभी बच्चों की हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि उनका जो डिफरेंसेस मोटिवेशनल आउटलुक है वो क्या है, ठीक है? तो स्टडी क्या करना चाहते हैं, उनके मोटिवेशन को स्टडी करना चाहते हैं कि कौन मोटिवेटेड है, कौन नहीं मोटिवेटेड है। तो मैं क्या स्टडी कर रही हूँ कि उनका मोटिवेशन। तो जो चीज़ स्टडी करेंगे वो हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, वो किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। जैसे स्टूडेंट और टीचर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो स्टूडेंट की लर्निंग है वो टीचर पर डिपेंड कर रही है ना, तो स्टूडेंट क्या हो गया यहाँ पर, स्टूडेंट यहाँ पर हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? स्टूडेंट इज डिपेंड अपॉन दी टीचर, ठीक है?
यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपका है कि मोटिवेशनल आउटलुक, मोटिवेशनल आउटलुक ये आपका आंसर हो जाएगा, विच इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की डिटेल में पढ़ना है तो पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। हमने वहाँ पर अराउंड 30 टाइप की रिसर्च को डिटेल में पढ़ा है, समझा है। पूरा रिसर्च का पूरा वीडियो जो है प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरे चैनल पर, और मैंने पूरी रिसर्च आपको विद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ कराई है। 2019 के क्वेश्चन मैंने वहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, सो आप उसे देख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आप ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मैं डेली क्विजेज वगैरह प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है।